नीचे से बड़ा दूंगा डरवा दिया हो यहाँ पर। ये शांत्र तो केक कट हो गई है हमारी एनिवर्सरी की और सबने खा ली है थोड़ी थोड़ी और ये हो गए हैं खुल गए हैं पिज्जा गर्मा गर्म पिज्जा। ये है पिज्जा किस किस के मुंह में आ रहा है पानी केक हो गया है खत्म डुक्कू खाए तो ये ले लिए है आयुषी के पिज्जा आयुषी ने अपने लिए पेट में डाल लिए हैं और ये किए हैं हमारा और ये आप लोग भी खा लीजिए कर रहे हैं पिज्जा एंजॉय क्योंकि फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा अभी थोड़ा गर्म है और डुक्कू भी खा रहा है यहाँ पिज्जा ठंडा ही हो गया पूरा खा रहा हाँ टाइम हो गया ना कितना डालती है इस पे ये सॉस वगैरह बहुत ज्यादा डाल के खाती है ये फ्रेंड्स ये चले गए हैं और बस मैं बैठी हूँ खाना इनको बना के दे दिया है इनकी ट्रेन है अभी 5 बजे की तो इनका एग्ज़ाम है तो ये निकल रहे हैं गुजरात के लिए तो बस वही ये चले गए और बच्चे अपना आंसू सो के उठी है और मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है अभी गले में खांसी है मुझे और ना जुकाम है बहुत ज़्यादा तो आज हमारी एनिवर्सरी भी थी तो बस ऐसे ही मनाई है छोटी मोटी बस केक कटिंग कर ली है ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक वीक जैसा हो गया एक वीक से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चले गए हैं अभी और दिखाती हूँ डुगू ना पेंटिंग बना रहा है अंदर बैठा हुआ है उसकी पेंटिंग्स ना बड़ी मेहनत कर रहा है बेचारा आजकल दिखाती हूँ आप लोगों को ना कि वो कैसी पेंटिंग बना रहा है और यहाँ तो देखो फैन चल रहा है यहाँ गर्मी है बिल्कुल भी ठंडा नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे और ये देखिए हमारा डुगू कर रहा है पेंटिंग डुगू बैक कैमरे ये डुगू बना रहा है ड्राइंग डुगू कौन सी ड्राइंग बना रहा है गिफ्ट बना रहा हूँ गिफ्ट एनिवर्सरी के लिए बना रहा हूँ हाँ? एनिवर्सरी के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ एनिवर्सरी के लिए तो ये जो लैपटॉप में दिखा रहा है वही बना रहा है हाँ। अच्छा ये लैपटॉप में से ये जो देख के ना ये होगा इसका फाइनल लुक अलग है ये होगा ओ बाबा फाइनल लुक भैया ये है डुगू
आज एनिवर्सरी है तो ये बना रहा है, ट्राई कर रहा है बेचारा, तो लगा पड़ा है 1 घंटे से टुकू इसको बनाने में, और सारे कलर वलर तो सब फैलाए हुए हैं मेरे बच्चा ने। बना रहा है कंटिन्यूस, अपना मेहनत कर रहा है, बन जाएगा 1 घंटे में। और पापा तो चले गए, वीडियो कॉलिंग पे दिखा देंगे। अच्छा, पापा से बाय नहीं करी? नहीं। तो चले गए हैं और डुगू अपना ड्राइंग बना रहा है, बाय भी नहीं किया, इसी में बिजी हो रहा है। और बस यही है अपडेट आज का ना, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मुझे फीवर आ गया था, फिर फीवर सही हुआ है, तो खांसी जुकाम सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम है, गले में प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। तो डुगू ने बना ली है पेंटिंग, और डुगू कई घंटों से लग रहा है, मैंने दिखाया था ना, ये गए थे 4:30 बजे ये निकले थे, और अभी हो रहे हैं 6:30, तो 2 घंटे हो गए डुगू को पेंटिंग बनाते बनाते, अभी डुगू की हो गई है कंप्लीट, दिखाती हूँ मैं आपको। दिखा डुगू। दिखा सीधी करके, धीरे धीरे करना, 3 2 1 3 2 1 देखिए आपने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है भाई डब्बू ने। भाई पहले वो दिखाएगा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बनाई है इसने ना, बिल्कुल डिट्टो बना दी है इसने, और ये स्टैचू भी अच्छे बनाए हैं। स्टैचू तूने बनाए हैं पूरे? नहीं, स्टैचू उसने बनाया। अच्छा, स्टैचू थोड़ा सा आयुषी की हेल्प ली है बनाने में, और बाकी ड्राइंग पूरी डुगू ने बनाई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, मुझे तो सुंदर लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, ट्रस्ट मी। और रियल में मतलब ऐसे नहीं है, देखने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और अभी तक ना डुगू ने कई पेंटिंग बना ली है, आजकल पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है मेरे बेटे को। थैंक यू मेरा बच्चा। तो डुगू ने ना बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत अच्छा तोहफा मिला है, तो दोनों ने बनाई है। हाँ डुगू, तो दोनों ने बनाई है, दोनों को बहुत बहुत वो है, थैंक यू है मेरे बच्चों को, दोनों को। आयुषी पढ़ रही होगी, आयुषी क्या कर रही है? क्या कर रही है? आयुषी पढ़ रही है, तो डुगू को ये भी थैंक यू बोल रही हूँ, आशु को बाद में बोल दूंगी। और बहुत अच्छी बनाई है, काफी मेहनत लगी है, लगती है ना यार इसमें ना, छोटे छोटे डॉट्स बनाना है, ड्रॉ भी करना है, कलर भी करना है, बहुत टाइम लगता है, फिर अभी छोटा ही है डुगू, तो इसने बनाई है, बड़ी मेहनत लगी है बच्चे की। और एनिवर्सरी गिफ्ट ना, वैसे तो मुझे कुछ गिफ्ट नहीं है मिला है, लेकिन ये ना सबसे कीमती गिफ्ट है मेरा, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। और इसको ना अभी हम फ्रेम करेंगे, इसकी सारी पेंटिंग्स को फिर फ्रेम करके लगाएंगे घर में, ये ना कलेक्शन बनाते जा रहा है, और फिर इसकी फ्रेम कर लेंगे, और फिर फ्रेम करके जो भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रहेंगी ना, फिर सारी लगा दूंगी मैं इसके रूम में, है ना डुगू? हाँ। आजकल ये चल रहा है डुगू का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो नहीं सॉरी, ये कैसी लगी पेंटिंग जरूर बताना मुझे, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना, हमारे एक डुगू के लिए लाइक तो एक बनता है, देखो ना।